गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और आज है मंगलवार, तो दिन की शुरुआत तो मेरी काफ़ी टाइम पहले हो गई थी, बट आप लोगों से बात करने का टाइम अभी मिला है। और अभी भी मैं बता दूँ, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, सुबह के 7:30 ही हुए हैं। और आज ये छोले मम्मी ने उबाल रखे हैं, तो इनको तड़का लगाना है। उससे भी पहले मुझे पार्थ और क्यान के लिए दूध बनाना है, पहले उनकी बोतल बनाती हूँ, उसके बाद कुछ करूँगी। वो अपनी फुल नाइट ड्रेस में और जैसे ही उठे हैं सीधे ही टीवी चलाया है इन्होंने अपने चाचू से। चाचू बोल चला दो, है ना पार्थ, गुड मॉर्निंग करो। क्या बोल रहे थे आप? हैं क्या क्या करना है भाई? देख तो रहा है, आप भी देख लो। ये कुछ शिकायत लेके मेरे पास आया है दोस्तों। मम्मा, हाँ जी। तो दोस्तों, जैसे कि श्राद्ध चल रहे हैं, तो मॉर्निंग का जो फर्स्ट मतलब रोटियां होती हैं जो देवता की निकालते हैं, सो वो मैं नहाने के बाद, क्योंकि मैं ही जल्दी नहाती हूँ, तो फटाफट से बना लेती हूँ। और आज बनने वाली हैं श्राद्ध में पूरियाँ, तो वो ही कर रही थी मैं। और उधर छोले बना रही हूँ। तो ये देखो, ये पूरियाँ बेल ली थी। आज पार्थ और क्यान के दोस्त आ गए हैं, तो पार्थ और क्यान की बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही है, मिलाती हूँ उनसे। और ये देखो कितना मज़ा आ रहा है बच्चों को अपने अपने कार्टून देखने के लिए। और सारों की अपनी अपनी ख्वाहिश हो रही है कि ये वाला चला दो, ये वाला चला दो। ये देखो आपका कौन सा चलेगा? बस मिस्टी शांत है, बाकी सब मेरा चला दो, मेरा चला दो। हॉर्स आपका कौन सा चलेगा? ये दोस्त है बच्चे आपस में, इनकी फ्रेंडशिप है। और क्यान कह रहा है कि मेरा चलेगा। और मैं अब जा रही हूँ पार्थ के डैडी की और अपनी चाय बनाने के लिए, दालचीनी वाली। जैसे कि तीज त्योहारों का शोर मचने लगा है, यहाँ नहीं देखती, मचने लगा है, तो मुझे मेरे मन के अंदर भी आ रहा है कि मैं डेट देखूँ कौन सा तीज त्योहार कब है। तो सितंबर तो हमारा चला गया और अक्टूबर में है 4 और अत्रे हैं हमारे थर्सडे से स्टार्ट हैं। दशहरा है 15 का, मतलब फ्राइडे पड़ रहा है। करवा चौथ है 24 की, संडे पड़ रहा है। तो होई अष्टमी फ्राइडे की है दोस्तों, तो ये क्लियर हो गया है, क्योंकि जिससे भी सुनती थी मुझसे पहले शायद कैलेंडर देख लिया होगा कि तीज त्यौहार आ रहे हैं, क्योंकि करवा चौथ और होई तो ऐसी होती है जिसकी तैयारी पहले करनी होती है। यस बेटा, अब बताओ क्या करना है? देख रहे हो दोस्तों, इसके ठंडा पानी मांगने का तरीका देखो कैसा होता है। और मैं बता दूं कि कल दीदी के यहाँ पे मतलब जो नल था, हैंडपम्प था, उसका ही इतना ठंडा पानी था, क्योंकि गंगा नहर बिल्कुल पास थी, तो उस पानी को लेके ये बोल रहा था मम्मी ठंडा है, उनसे बोल रहा था दीदी, हम दीदी बोल रहे थे ना, तो ये भी बोल रहा था दीदी फ्रिज का पानी है। मैं कहा तो अभी बजे हुए हैं सुबह के 10 और मैं नहा लिया हूँ, और आज मंगलवार है तो मैंने पूजा कर ली है। मंगलवार के दिन कुछ मैं स्पेशल पूजा करता हूँ, क्योंकि मेरे ईष्ट देव हैं हनुमान जी। जब कभी मैं 5वीं 6वीं क्लास से था, आप बोले नहीं बेटा, बहू कुछ नहीं होती बेटा, वो फिर 5वीं या 6वीं क्लास में होऊंगा तब से मन में आया कि हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। तो मैं जब हर बार मतलब मंगलवार और शनिवार मेरी स्पेशल पूजा होती है। आज है हमारे घर किसका श्राद्ध है? आज हमारे घर देवता का श्राद्ध है, तो उसी के उसमें पूड़ी और छोले की सब्जी बनी है और पार्थ को खाना खिलाया जा रहा है। हेलो बोलो बेटा। पार्थ अच्छा जय कर लो। नहीं करोगे? पार्थ कहने से नहीं करता। पार्थ की थाली तैयार हो चुकी है। आज नाश्ते में मैंने खाया दलिया दही के साथ, और बहुत सारे काम है मेरे ऑफिस के, वो मुझे खत्म करने हैं, तो चलता हूँ अपने ऑफिस की तरफ। और मेरी टेबल बहुत गंदी हो रही है, पहले मैं इसको साफ कर लेता हूँ बैठने से पहले। देख रहे हैं बिजली घर बना हुआ है मेरे, इस पे ये न्यूज़पेपर है, अभी मैं इसको रीड करूँगा, थोड़ा सा टाइम है मेरे पास, इसको मैं निकालता हूँ। मेल सारे चेक हो गए हैं, न्यूज़पेपर पढ़ना भी बाकी है, तो उसे जैसे बीच में मुझे टाइम भी लगा तो मुझे वो भी पढ़ना है। ओके क्या ना आप? और क्या क्या नहीं बेटा छोड़ देना मान जा प्लीज़, इससे क्या कर रहे हो आप?
कुछ भी नहीं होगा इससे। तो मम्मी तुम्हें ये मेरे बच्चे परेशान कर रहे हैं क्या? ना तेरे का कर रहे हैं परेशान। आजकल बच्चे शिकायत कर रहे हैं मेरे से कि मेरी अम्मा बहुत मार रहे हैं। करें तो करन दे। नहीं मम्मी ऐसे नहीं मार सकते, ऐसी पीटेंगे। मम्मी आजकल दोनों क्यान और पाठ को देती हैं खुराक, वो तो हमें बहुत मिलती थी, हाथ वाले पंखे से खूब मिली है हमें, अब इन्हें भी मिलनी शुरू हो गई है। और क्यान का गेम आप देख सकते हैं, क्यान अलग ही कुछ। क्यान बेटा क्या कर रहे हो? झाड़ू झाड़ू नहीं लगाते। और आज मैं आपको एक चीज बताऊं, पार्थ ने आज पहली बार बनाया है वन, वही दिखाने के लिए आया था, लेकिन इसने अपने सर से इसको रगड़ दिया, तो देखो क्या हाल कर दिया है। इसने पहली बार वन बनाया है, मुझे तो दिख भी नहीं रहा है, गौर से देखिएगा ये वन है। बेटा किसने बनाया था वन? क्यान ने बनाया था। ओह बेटा ऐसे नहीं करते, सही सी बताओ किसने बनाया? भूत ने बनाया। स्कूल जा कर हो गए आप? हां इससे ट्यूशन में चलो, मैं छोड़ जाऊंगा ट्यूशन बेटा। अब आपका ना ट्यूशन लगेगा, ठीक है? तो आपको ट्यूशन जाना पड़ेगा, ठीक है? क्या ना आप भी जाओगे ट्यूशन? हाँ क्या ना? तो क्या भी कह रहा है कि मुझे भी अब ट्यूशन जाना है। इसकी मस्ती हमेशा अलग शोर मचाने वाली, सुबह को 5:30 उठ के बैठ जाएगा, मेरी नींद खराब करेगा, बेड पर से पलटे लगाएगा, नीचे आ जाएगा, मच्छर खा जाएंगे। क्या ओपन योर माउथ बनाएंगे, जल्दी जाओ पढ़ाई करते हैं छोटे बच्चे, ठीक है? अब आप बड़े हो गए हो, गुड बॉय हो आप। तनु लाइए प्रेस मांग के। तो आज किसके कपड़ों पे होगी प्रेस मम्मी? कुर्सी भरी भरी है, कुर्सी भरी रखी है और कुर्सी। आज किसका श्राद्ध था? अरे किसी का भी ना। तो बिना बात की पूरी बना दी। पार नहीं बेटा, क्यों मार रहे हो भाई को? बहुत चले क्यों? मैं पार्ट को लैपटॉप चलाना चाहिए बेटा, खड़े हो जाओ। तो जैसा कि सबको पढ़ाई से भागना होता है, बचना होता है, तो पार्ट का भी भागना शुरू हो गया है। बेटा प्लीज मान जाओ, आप मान जाओ, पढ़ लो ना। क्यों पी मान जाओ? नहीं नहीं आप मान जाओ प्लीज, आपको पढ़ना नहीं है? नहीं पढ़ना आपको? क्यों बेटा, जब सब पढ़ लेते हैं ना तो बहुत बड़े बन जाते हैं, लैपटॉप चलाना आता है, गाड़ी चला। आप गाड़ी मांग रहे थे ना उस दिन? वो कह रहे थे मेरे को बाइक चाहिए, तो आपको बाइक मिलेगी, जल्दी खड़े हो जाओ। डू डू बिल्कुल अपने हाथ खड़े कर दिए हैं कि मैं नहीं पढ़ूंगा, अब कुछ हमें दूसरा प्लान अपनाना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा कि जिससे इसका कुछ पढ़ाई में इंटरेस्ट आए। क्या ने शुरू कर दिया है पढ़ना? बेटा आप तो पढ़ लो, पढ़ लो आप। आपको नहीं पढ़ना? तो आप पढ़ लो चलो। बेटा आपको नहीं पढ़ना? तो यहाँ क्यों छिप रहे हो? तो दोस्तों ये पढ़ाई से बच के और भाग के आया, और देखो कहाँ पर छिपा हुआ है। आ जाओ बाहर आओ, चलो जल्दी से ना। प्लीज ना मान जाओ। ना। तो पढ़ना तो पड़ेगा। दोस्तों मेरी योगा क्लास स्टार्ट हो गई है और मैं अपनी क्लास आ चुकी हूँ, तो अपनी टीचर से मिलाती हूँ मैं आपको। तो ये मेरी टीचर हैं, योगा टीचर, और नेशनल रनर हैं। अब क्लास स्टार्ट होती है। दोस्तों शाम के 6 बज चुके हैं और मैं बिल्कुल अभी अभी अपनी योगा से आई हूँ, क्योंकि
डेढ़ घंटा हो जाता है इस टाइम, वो काफ़ी टाइम दे देती हैं। सबसे पहले मैं पीऊँगी पानी क्योंकि बहुत तगड़ी प्यास लग रही है मुझे बहुत, और पानी भी मुझे लेना है, ग्लास में नहीं लेना, टिफिन में लेना है, ये देखो। और इसके बाद 5 मिनट रुक के मुझे अपना खीरा काटना है, खीरा और पपीता काटूंगी, हालांकि मुझे पपीता अच्छा नहीं लगता। 5 मिनट तो काटने में ही लग जाएंगी, ये खीरा काटते हैं, खीरा और पपीता हो जाएगा। पता है एक्सरसाइज करने के बाद ना एनर्जी लेवल जो होता है वो डाउन लगता है, तो उसके बाद अगर आप हल्का फुल्का ले लेते हो तो एक तो क्या है, आपको तगड़ी वाली भूख नहीं लगेगी जिसमें आप कुछ भी उठा के खा लेते हो, और एनर्जी लेवल थोड़ा सा ऊपर आएगा। अब मुझे बॉडी बिल्कुल ऐसे ऐसे लग रही है कि ऐसे कंपन कर रही है।